दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक होता है शत्रु नाश मारण शाबर मंत्र। जी हाँ, दुश्मन का नाश करने के लिए एक ऐसा उपाय जो कभी फेल नहीं होता। अगर आपको भी आपका दुश्मन कर रहा है परेशान, तो आज हम लेकर आए आपके लिए ये वीडियो, जिससे आप अपने दुश्मन का नाश कर पाएंगे और आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ, जब आप सफलता की राह पर होते हैं तो कई बार आपके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। कई लोग आपकी खुशी पर जलते हैं तो सफलता से जलते रहते हैं और आपके दुश्मन बन जाते हैं। कई बार लोग सफलता पर ना पहुंचने के कारण भी आपको दोष देकर आपके दुश्मन बन जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे लोग आपके दुश्मन हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो आज आपको बताते हैं कुछ आसान से उपाय। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन का नाश करने के लिए एक मंत्र है जिसे कहा जाता है मारण शाबर मंत्र, ओम शौम शौम भैरवय स्वाहा। इस मंत्र को दुश्मन का नाश मंत्र कहा जाता है। सफेद कागज पर लाल स्याही से अपने दुश्मन का नाम लिखें और उस कागज को शहद की शीशी में डालें और भैरव मंदिर के आसपास इसे गाड़ दें। ये ना केवल दुश्मन से छुटकारा दिलाएगा, बल्कि दुश्मन का हर हमला उल्टा कर देगा। दुश्मन का नाश मंत्र से शत्रु खुद हार मान लेगा। इस मारण शाबर मंत्र का प्रयोग शनिवार के दिन करें। इसे कागज और लाल पेन का वशीकरण भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते हैं दुश्मन को बर्बाद करने का मंत्र। ये मंत्र है क्रीम क्रीम दुश्मन नाशिनी क्रीम क्रीम फट। इस मंत्र को रविवार की रात या अमावस्या की रात को करना है। अपने शत्रु को बर्बाद करने के लिए माँ काली की पूजा करें। सिंदूर से नींबू पर अपने शत्रु का नाम लिखें। 1188 बार इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद नींबू को घर से दूर किसी गड्ढे में दबा दें। एक बात का ध्यान रखें, पीछे मुड़कर ना देखें। शत्रु से छुटकारा पाने का बेहद आसान तरीका है ये। तो दोस्तों, ये तो थे दो आसान से उपाय दुश्मन का नाश करने के। अगर आप इन उपायों को करने में असमर्थ हैं, तो हमारे वीडियो की स्क्रीन पर जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, नंबर्स पे कांटेक्ट करें और पाएं घर बैठे अपने दुश्मन से छुटकारा। कॉल लगाएं बाबा अघोरी दिलीप सम्राट को। उनका नंबर है +91946854946। इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं बाबा अघोरी दिलीप सम्राट जी से और पा सकते हैं सभी समस्याओं का समाधान।